हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग हो रहा है पार्ट टू। तो हम लोग चंद्रखुरी से आए थे, उसके बाद शाम को हम लोग आ गए थे, वहीं से निकलने के बाद डायरेक्ट आ गए थे शॉपिंग करने के लिए गोल बाज़ार। तो ये रायपुर का गोल बाज़ार है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े कपड़े वगैरह लेने आए थे बच्चों के लिए, क्योंकि आज एक बच्चे का बर्थडे है घर में, और एक को हम लोग ऐसा गिफ्ट देने के लिए आए थे कपड़ा लेने। और कुछ कुछ सामान मुझे भी लेना था अपने लिए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करने वाले इस वजह से। तो हम लोग ना चंद्रखुरी के पास थे, वहाँ से सब्जी वगैरह भी लेके आए थे। तो वहाँ पे अच्छे सस्ते सब्जी मिल रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही ताज़े ताज़े थे, गोभी और ये चौलाई भाजी, तो ये सब हम लोग लेके आए थे। तो ये खैर सुबह बनेगी कल यानी मंडे को, और गोभी अभी काम आएगी, और बाकी जो गोभी था वो नीचे दे दिए, क्योंकि मैं थोड़े से गोभी यूज़ करूँगी अभी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, तो उसमें डलते हैं। और हरी धनिया भी लेके आए थे हम लोग। तो ये सब जो सामान मेरे यूज़ के थे वो मैं ऊपर लेके आ गई, और जो माँ को देने थे वो सब दे दिए। तो ये बच्चे लोगों के लिए कपड़े हम लोग लेके आए थे, उनको एज अ गिफ्ट दे देंगे। और ये बच्चे के लिए कपड़ा लेके आए थे, तो मतलब दो बच्चे हैं उनके लिए लेके आए थे, खैर तीन बच्चे हैं लेकिन फ़िलहाल दो के लिए लाए थे। और अभी मैं कर रही हूँ किचन में काम। तो अभी शाम के समय हम लोग आजकल खिड़की बंद कर देते हैं, क्योंकि ठंडी हवा आती है बहुत ज़्यादा, तो किचन की हालत अभी बहुत ख़राब है। तो शॉपिंग वगैरह हो चुका है, और यहाँ पे मैं मटर निकाल लेती हूँ। तो ये फ्रिजन मटर है, इसको यूज़ करूँगी। और बीन्स वगैरह कल से साफ़ होके पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं चावल है वो भगार रही हूँ, क्योंकि हम लोग थक गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत थोड़ा दूर गए थे इस वजह से। तो जल्दी खाना मैं बना ले रही हूँ, ताकि हम लोग जल्दी खा लें और सो भी जाए, क्योंकि संडे का दिन है, तो संडे का दिन थोड़ा आराम करने का होता है, इस वजह से ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और थोड़ी देर बाद मुझे नीचे भी जाना है, क्योंकि बच्चे का बर्थडे जैसे मैं बताया, उसका केक वगैरह आने वाला है। तो ये नल थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, लूज़ हो गया, उसको मैं ठीक से लगा रही थी, उसका पानी टपकता है वो ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ चावल बनने के लिए, और मैं लेके आई हूँ अपने लिए नया बैग, क्योंकि ये जो बैग है मैं इसे लेके आई थी जी सेल से, और ये ख़राब हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इसका साइड साइड से ये उधड़ रहा है, तो कभी भी फट सकता है। इस वजह से मैं ये वाला बैग लेके आई हूँ, जो कि बहुत अच्छे प्राइस में मुझे पड़ गया। और मैं जहाँ से लेके आई हूँ ना, मैं हमेशा वहीं से ही बैग वगैरह लेके आती हूँ। खैर इस बार मैं जी सेल से ला रही थी, और मैं लेके आई हूँ अपने लिए चूड़ा। तो ये चूड़ा मैं आप लोगों को जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी, क्योंकि ये कहीं जाने के लिए है, तो मैं चूड़ा लवर हूँ, तो मुझे चूड़ा बहुत पसंद है। और यहाँ पे बच्ची रेडी हो गई है, तो ये बच्ची है, इसका बर्थडे है, तो ये मेरे बड़े वाले जेठ की बड़ी लड़की है, तो उसका केक वगैरह आ चुका है, बच्चे वगैरह आ गए हैं बर्थडे के लिए, बुलाए थे कुछ और बच्चे थे स्ट्रीट के, पर उन्हें सबको नहीं बुलाया, कुछ बच्चे आए हैं कुछ नहीं आए, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चला था। और ये है चॉकलेट केक, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा था, मतलब खाने में बहुत टेस्टी था। तो इसकी मम्मी लेके आई थी, खैर यहाँ पे इसकी मम्मी पापा नहीं रहते, ये लोग थोड़ा सा हमारे घर से दूर रहते हैं, तो उसकी मम्मी लेके आ गई थी, बच्ची यहीं रह रही है हमारे साथ, और बहुत इंजॉय किया है उस दिन, उसके बर्थडे वाले दिन। और ये देख सकते हैं आप लोग छुटंकी, ये बहुत तेज़ बच्चा है, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए, बच्चे लोग आके काफ़ी देर से आ गए थे ये लोग, खैर हम ही लोग लेट हो गए थे, और केक खाने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि इनका कुछ काम था, तो थोड़ा वहाँ फंस गए थे। तो अभी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बच्ची का, और सब बढ़िया रेडियो के आए थे, मतलब बचपन का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो तो अलग ही लेवल का आता है ना। बड़े हो जाओ, कितना भी आप अच्छे से सेलिब्रेट कर लो बर्थडे, लेकिन जो बचपन में सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ, वो तो अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आरती करते हैं हम लोग, बड़े लोग जितने रहते हैं हमारे घर के, जो बच्चे रहते हैं उनका, क्योंकि ये हिंदू रिचुअल है। केक कटिंग तो हिंदी लोगों के कल्चर का नहीं है, पर ट्रेंड है, तो इस वजह से बच्चे लोगों का मन रखने के लिए कर लेते हैं। हमारा भी बर्थडे केक काट के मनाया जाता था पहले, पर यह हिंदू कल्चर नहीं है, सबको बताया है, पर बोलते हैं ना जैसा बोलते हैं ट्रेंड चलता है, तो जैसा आपस आस पड़ोस देखते हैं तो हम भी वैसे ही फॉलो करते हैं। खैर कोई नहीं, तो यहाँ पर आरती कर रहे हैं और अक्षत वगैरह चढ़ाएँगे, और फिर उसके बाद केक कटिंग का कार्यक्रम होगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ की बड़ी मैडम इसके लिए कपड़ा आया था, जो अभी जा रही है ना जो लाने के लिए, जो केक के ऊपर लगा है लाइट, उस यहाँ पे ना पहले बच्चे लोगों को सेट कर रहे थे फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि एक फ़ोटो हो जाए उसके बाद केक कटिंग का कार्यक्रम होगा। तो अब ये बड़ी वाली बच्ची जलाएगी इसका लाइट को, क्योंकि इसका हाथ थोड़ा सा डगमगा रहा था। खैर मैं आप लोग बता दूँ, जो कपड़े हम लोग लेके आए थे एक्स्ट्रा एक और, तो ये एक इसके लिए लाए थे, और एक बर्थडे गर्ल के लिए लाए थे, और एक और बच्ची है जो लहंगा पहन के खड़ी है उसके लिए लाना था, पर नहीं ला पाए, उसके हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा था। तो खैर का जब उसका बर्थडे आएगा तब उसके लिए लेके आएंगे। और अभी होगा केक कटिंग का कार्यक्रम, और उसके बाद होगा धमाकेदार डांस कार्यक्रम, वो आप लोग देखना और इंजॉय करना। खैर कॉपीराइट आएगा, इस वजह से मैं कोई गाना नहीं लगाई हूँ उस पर, लेकिन आप लोग देख लेना, क्योंकि फिल्मी गाना के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जल गया है लाइट, अब होगा केक कटिंग, और उसके बाद सब खाएंगे केक, नाश्ता, उसके बाद करेंगे धमाकेदार डांस। तो बने रहिए वीडियो में आगे तक, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। Oh, 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 oh
तो यहाँ पे सारे बच्चों ने केक वगैरह खा लिया है, खा पी के फूल हो गए, पानी वगैरह पी लिए हैं, अब करेंगे डांस। तो कॉपीराइट के कारण मैं नहीं डाल रही हूँ म्यूज़िक, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए ये लोगों का डांस, आगे अगर मैं कोई म्यूज़िक डालती हूँ तो। तो गाइज़ ये बर्थडे ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये जो छोटा सा बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। तो अभी हम लोग इन्जॉय करेंगे मोमोज, और इसी के साथ ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सबके साथ रहिए, मज़े से खाते पीते रहिए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।